भगवान श्री राम के नाम पर रामेश्वरम रामायण का एक जीवांश स्मरण है। हमारे इंडियन ओशन में एक खूबसूरत द्वीप रामेश्वरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए साल भर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत के चार धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जिसे आप अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे पाबन द्वीप स्थित रामेश्वरम में। इस वीडियो में आपको रामेश्वरम की सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, रहने और खाने के क्या क्या ऑप्शंस है, रामेश्वरम में घूमने और दर्शन के लिए कौन कौन से प्लेसेस है, और इस वीडियो के अंत में हम आपको बजट भी बताएंगे जिससे आप अपनी ट्रिप बिल्कुल परफेक्टली प्लान कर सकेंगे। अगर बात करें रामेश्वरम में घूमने के सबसे बेस्ट टाइम की, तो आप यहां पर साल भर घूमने आ सकते हैं, लेकिन मानसून के बाद का समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच का समय बेस्ट माना जाता है। गर्मियों के समय में यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट सेशन में बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम कैसे पहुंचना है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि रामेश्वरम में खुद का रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मदुरई या फिर चेन्नई एडमर स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेन मिल जाएंगी। दोस्तों, ट्रेन से आने का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि आपको समुद्र के ऊपर बने हुए पामन ब्रिज का आप खूबसूरत नज़ारा देख सकेंगे। ये खूबसूरत नज़ारा कई सारे लोगों के लिए अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बाय रोड का। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे हाईवे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मदुरई, कन्याकुमारी, रामानंतपुरम, चिरिपुल्ली और आसपास के सभी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी और वोल्वो बस की सेवाएं आपको मिल जाएंगी। अगर बात करें दूरी की, तो मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है। अगर आप ऑर्डिनरी बस से आना चाहते हैं तो मदुरई से रामेश्वरम का किराया 200 से सवा 200 तक का है, पर आप एसी बस में आने जाते हैं तो इसकी टिकट प्राइस है 700 से 800 रुपये। इसके बाद तीसरा और आखिरी ऑप्शन है, यह है हमारा फ्लाइट का। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है मदुरई में। तो मदुरई से आप बस या फिर टैक्सी के सहारे रामेश्वरम तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम रामेश्वरम पहुँच चुके हैं, अब हमें दर्शन करने हैं। लेकिन दर्शन करने से पहले हमको क्या क्या करना होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दर्शन करने से पहले मंदिर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर स्थित है अग्नि तीर्थ, जहां पर आपको स्नान करना होगा। दोस्तों, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके आए थे तब भगवान श्री राम इसी तीर्थ में स्नान किया था। भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे, इसीलिए यहाँ पर स्नान करके महादेव की आराधना की थी। तब से यहाँ के समुद्र की लहरें एकदम शांत हो चुकी है। यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिर परिसर में 22 कुंड है, तो इन्हीं गीले कपड़े में आपको इन 22 कुंडों में स्नान करना होगा। यहाँ पर सरकारी एम्प्लॉय आपको सभी कुंडों के स्नान करवाएंगे, जिसके टिकट प्राइस है 25 रुपये में आपको सभी कुंडों के स्नान करवा देंगे। और मंदिर परिसर के अंदर ही कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम है, तो वहाँ पर आप अपने कपड़े चेंज करके मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर में 2 शिवलिंग है, पहला जिसे हनुमान जी महाराज कैलाश से लेके आए थे, और दूसरा शिवलिंग जो सीता माता ने रेत द्वारा निर्माण किया गया था। जब आप मंदिर परिसर में जाएंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मंदिर में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉरिडोर है जो अद्भुत नक्काशी से किया गया है। इन कॉरिडोर में कई सारे गजराज चल सकते हैं, इतना बड़ा कॉरिडोर है। इस परिसर में और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो आप इन सभी मंदिरों में दर्शन कीजिएगा। अगर आपको स्फटिक मणि के दर्शन करने हैं तो हर रोज़ सुबह 5 बजे से 6 बजे के टाइम में आपको यहाँ पर स्फटिक मणि के दर्शन करवाए जाते हैं, तो आप इस हिसाब से यहाँ पर दर्शन कर लिए आ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमें रुकना कहाँ पर है। तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है धर्मशाला का। आपको मंदिर परिसर के नज़दीक कई सारी धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएंगी। इसमें आप 250 से लेकर 300 तक आप रूम बुक करवा सकते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, रामेश्वर मंदिर की तरफ से रूम अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसे आप इन वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। होटल का किराया 500 पर डे होता है। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो वो है प्राइवेट होटल। रामेश्वरम में कई सारे प्राइवेट होटल्स भी है, जिसका किराया 500 से 1000 तक होता है। तो आपको जो होटल पसंद आए आप वहाँ पर रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि भोजन की यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो भोजन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट द्वारा भंडारा चलता है, जिसमें आप भोजन कर सकते हैं। इसके टाइम है सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भंडारा चलता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर भोजन के लिए जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है वो है होटल या फिर रेस्टोरेंट। यहाँ पर कई सारे होटल और रेस्टोरेंट है, जहाँ पर 150 से लेकर 200 तक में थाली आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि रामेश्वरम में आपको कितने दिनों के लिए टूर प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, रामेश्वरम में घूमने के लिए पर्याप्त तो 2 दिन का समय लगता है। तो बात करते हैं कि रामेश्वरम में और कौन कौन सी जगह है जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मंदिर की, तो वह है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो आप यहां पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। दूसरे स्थान की बात करें तो वह है नाम्बू न्यागी मंदिर। यह मंदिर पार्वती माता जी का मंदिर है। कहते हैं कि जिन लोगों को संतान प्राप्ति की समस्या होती है, वह यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं, जिससे उनको इस समस्या से छुटकारा मिलता है। अगले स्थान की बात करें तो वह है राम मंदिर। राम मंदिर रामेश्वर मंदिर से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। और राम मंदिर के बिल्कुल सामने रामकुंड है, जिसे राम तीर्थम भी कहा जाता है। इसके बाद अगले स्थान की बात करें तो वह है कलाम स्मारक। दोस्तों, यहाँ पर कलाम जी का स्मारक बनाया गया है। यह वही स्थान है जहाँ पर कलाम जी को दफनाया गया है, तो आप यहां पर जाकर कलाम जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला स्थान है वह है श्री कृष्ण मंदिर। यहां पर आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लाइफ आर्ट गैलरी बनी हुई है, जिसकी टिकट प्राइस है 10 रुपया। तो आप इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला भी देख सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं लक्ष्मण मंदिर। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत है। तो पहले दिन आप इन सभी जगहों के दर्शन कर सकते हैं। और दूसरे दिन आप जाओगे धनुषकोड़ी। धनुषकोड़ी रामेश्वर मंदिर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में स्थित है। धनुषकोड़ी वही जगह है जहां पर वानर सेना द्वारा समुद्र में पुल बनाकर लंका जाने का राम सेतु बनाया गया था। यहां पर आपको खूबसूरत समुद्र देखने को मिलेगा। एक तरफ है हिंद महासागर और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी। और धनुषकोड़ी लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप रामेश्वरम में दर्शन के लिए आए तो यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये आपका मोस्ट विजिट पैलेस है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इन सभी जगहों पर घूमने का साधन क्या होगा। तो दोस्तों, अग्नि तीर्थ के पास ही आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो 700 से 800 रुपये में आपको इन सभी जगहों पर घुमाएंगे और गाइड भी करेंगे, और सभी जगह घुमा के आपको मंदिर परिसर में छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि रामेश्वरम में घूमने का आपको टोटल कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, मैं जो आपको खर्चा बताऊंगा, इसमें मैंने बस टिकट, ट्रेन टिकट और फ्लाइट टिकट शामिल नहीं किए हैं। इसमें मैंने केवल रामेश्वरम में खाना, रुकना और जो आप ऑटो करके रामेश्वरम के सभी स्थान देखने जाओगे उस ऑटो का किराया ही ऐड किया है। तो एक व्यक्ति का रामेश्वरम यात्रा में 2 दिन के लिए 2000 से 2500 खर्च हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करोगे तो 3000 से 3500 तक ही खर्चा होगा। तो दोस्तों, यह थी रामेश्वर यात्रा के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।